बीजेपी कह रही है कि विदेशी भूमि पर जाकर उन्होंने देश का संसद का अपमान किया है, गरिमा गिराई है। देखिए, राहुल गांधी जी ने ना कहा जो भाजपा कह रहे हैं कि उसने कहा था। आप उनके भाषण सुन लीजिए, उसने स्पष्ट से कहा कि ये विषय भारतीय विषय है, हमारी जिम्मेदारी है भारत में इस पर कार्रवाई करने के लिए। वो किसी कोई विदेशी ताकत से कुछ नहीं मांगा, वो सिर्फ ये कहा कि आप जानना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में भारतीय लोकतंत्र के बारे में नेचुरली जानकारी है, और इट्स ए ग्लोबल पब्लिक गुड, उनको आप भी सम्मान देना चाहिए, इसलिए आपको जानना चाहिए, बस इतना ही कहा। बीजेपी माफी मांगने की बात कर रही है राहुल गांधी से, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। सरकार की जिम्मेदारी है हाउस चलाना, बजट सेशन को चलाना, क्योंकि फाइनेंस बिल को पास करना है, बिना फाइनेंस बिल से टैक्स नहीं होता। अब वो लोग क्या करना चाहते हैं, और अगर आप ये अपमान समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, या जो भी सोच वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा, क्या इस किस्म के एक्शन लेके कोई रेजोल्यूशन उनके खिलाफ लेके आके उनको क्या सस्पेंशन करना चाहते हैं? क्या ये एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा हमारे लोकतंत्र के लिए? सरकार की टैक्टिक्स समझना मुझे बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि सरकार की इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाउस चलना चाहिए, कि संसद चलना चाहिए। माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए सर? नहीं नहीं, मैं उसे कुछ ही कहा जिसके लिए माफ़ी करने की जरूरत है, माफ़ी मांगने की जरूरत है। सर,